मेष राशि, कितने ही दिनों से पैसों वाला जो काम आप सोच रहे हैं वह अचानक पूरा हो सकता है। इनकम बढ़ाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। इसमें दूसरे लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। पैसों के ज्यादातर मामलों का निपटारा आपके अनुसार ही होगा। किसी खास काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़े सुझाव लेने होंगे और थोड़ी सौदेबाजी भी होगी। नौकरी धंधे में सफलता मिलेगी। मकान और जमीन संबंधी काम पूरे होंगे। कोर्ट संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है। लक्ष्य को ध्यान में रखें, सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आपको समय पर साथ वालों की मदद मिलती जाएगी। नेगेटिव, कोई अच्छा मौका या ऑफर मिले तो उस पर तुरंत कोई रिएक्शन ना दें। इम्प्रैक्टिकल ना रहे और नेगेटिव सोच से दूर रहे। कमर से निचले हिस्से में कोई बीमारी भी परेशान कर सकती है। आप कोई काम निपटाने में भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं। इससे आपकी परेशानी बढ़ भी सकती है। दौड़ भाग से बचने की कोशिश में कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। सावधान रहे, क्या करें, सफाई कर्मचारी या किसी गरीब को पुराने कपड़े दान दें। लव पार्टनर के साथ अनबन होने के योग बन रहे हैं। सावधान रहे, मौन रहने में ही फायदा होगा। करियर निवेश में सावधान रहे, कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलता रहेगा। स्टूडेंट सम्मेलन भी ज्यादा करेंगे, सफल हो जाएंगे। दिन अच्छा रहेगा, हेल्थ सिरदर्द रहेगा। कोई पुरानी बीमारी भी परेशान कर सकती है, सावधान रहे। भविष्य की योजना बनाएं, पत्नी और बच्चों के साथ बातचीत करें और उनसे राय भी लें। किसी नए रिश्ते की बात हो सकती है। आप शादीशुदा हैं तो लव लाइफ अच्छी रहेगी। भरोसा रखें कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य रहेगा। हल करने और मामला सुलझाने में संकोच ना करें। भावनाओं को नियंत्रण में रखें। पैसों की समस्या दोस्तों की मदद से खत्म हो जाएगी। पैसों के मामलों में आपको बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे। कोई भी फैसला सोच समझ कर ही करें। किसी खास काम के लिए आपको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। मामा पक्ष से मदद मिल सकती है। नेगेटिव, आपको किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। थकाने वाला दिन हो सकता है। आज आप लोगों की बातों में आकर गलत फैसले भी ले सकते हैं। इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। पैसों को लेकर किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। कोई आपको धोखा दे सकता है। सावधान हो जाएं, वाद विवाद होने की भी संभावना है। कोर्ट कचहरी के काम अधूरे रह सकते हैं। क्या करें, ऑफिस या घर के फर्नीचर की सफाई करें। लव पार्टनर के लिए थोड़ा समय निकालें, भावनाएं सुने और कहें। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानियां बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। करियर बिजनेस में भी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। हेल्थ, कोई पुराना रोग परेशानी दे सकता है। मिथुन पॉजिटिव, आज आप चतुरता से उलझे हुए मामले सुलझा लेंगे। इससे आपके बहुत से काम पूरे हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर कुंडली के पांचवें घर में रहेगा। आपके लिए दिन शुभ है। कामकाज में सुधार होने के योग बन रहे हैं। जल्दी ही कुछ नए मौके भी आपको मिल सकते हैं। करियर के मामले में और आपके सामाजिक दायरे में महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान आप पर रहेगा। इस स्थिति का फायदा उठाने में देर ना करें। आपके अच्छे व्यवहार से आपके निजी संबंधों में भी काफी हद तक सुधार हो जाएगा। मन की चिंता के बारे में किसी भरोसेमंद इंसान से बात होगी। अच्छी खबर से खुशी मिलेगी। नेगेटिव, कोई नया विचार बार बार आपको परेशान कर सकता है। कुछ काम आपको कठिन या असंभव भी लग सकते हैं। किसी काम को लेकर आपके मन में हिचकिचाहट भी हो सकती है। क्या करें, किसी मंदिर में घी का दीपक लगाएं। लव विवाहित जोड़े, जीवन साथी के लिए समय निकालें और इस रोमांटिक मूड का आनंद लें। ज्यादा भावुक ना रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़ा फैसला ना लें। करियर बिजनेस में आपको धन लाभ होगा। लेन देन में ध्यान रखें। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आज सफल रहेंगे। साथियों के साथ पढ़ाई होगी। कठिन विषय मिल बैठकर निपटाएं। किसी एक विषय पर ही ध्यान दें। हेल्थ, सेहत कमजोर रहेगी।
भोजन में सावधानी रखें। कर्ता जटिल सामाजिक कामकाज में उलझ सकते हैं, उत्साह, खुशी और एनर्जी रहेगी। कुछ मामलों में आज आप काफी राहत महसूस करेंगे। छुट्टी मनाने या कहीं घूमने का मन भी हो सकता है। जरूरी कामकाज पूरे हो जाएंगे। शादी के भी ऑफर मिल सकते हैं। सोचे हुए कुछ काम पूरे हो सकते हैं। व्हीकल खरीदने का मूड बना सकते हैं। नेगेटिव काम करने की इच्छा नहीं होगी। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मेहनत के नतीजे आपको कुछ कम ही मिल सकेंगे। किसी भी मामले में अति ना करें। जिस मामले में ज्यादा जोश दिखाएंगे वो बिगड़ भी सकता है। ऐसे विचारों में उलझ सकते हैं जिन पर काम करना मुश्किल होगा। आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। सामाजिक कामकाज और खुद की सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्चा होने की संभावना है। मन में कोई ना कोई दबाव लगातार बना रहेगा। घरेलू मामलों में भी उलझने बढ़ सकती है। क्या करें, मुनक्का दाग खाकर घर से निकले? लव, आज की गई शुरुआत आपकी प्रेम कहानी को आगे ले जा सकती है। लव प्रपोजल भेज सकते हैं। दिन अच्छा है। करियर वाणी पर नियंत्रण रखें। ऑफिस या फील्ड में किसी से विवाद हो सकता है। पढ़ाई में कंफ्यूजन भी हो सकता है। नतीजे कम रहेंगे। एक ही विषय पर ध्यान दें, आपके लिए यही बेहतर है। हेल्थ रक्त संबंधित विकार होने की संभावना है। सावधान रहें। सिंह पॉजिटिव, दिन भर उत्साह और कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। मन की ज्यादातर समस्याएं खत्म हो सकती है। आज आप कई तरह के काम करना चाहेंगे। आपकी कोशिशें भी सफल हो सकती है। ज्यादा मेहनत करने के मूड में रहेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। मकान बदलने का विचार भी हो सकता है। अपनी सोच और विचार में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए दिन अच्छा है। आपको धन लाभ और फायदा हो सकता है। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अपने निवेश पर ध्यान दें। नेगेटिव पैसे और देनदारी को लेकर या किसी बिल के मामले में आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बीतेगा जो आपका मूड खराब कर सकते हैं। क्या करें, हनुमान मंदिर में हलवे का भोग लगाएं? लव, आज आप प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। संबंधों में भी सुधार हो सकता है। करियर पैसों के मामले में किसी पर भरोसा ना करें। धोखा हो सकता है। साथियों की मदद भी मिलेगी। दूसरों से आगे निकलने में आप सफल हो सकते हैं। खुद की तारीफ ना करें। हेल्थ, आज सिंह राशि वालों की सेहत ठीक रहेगी। थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। कन्या पॉजिटिव, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करेंगे जिससे आपको फायदा होगा। करियर में भी कुछ बदलाव करने से आपको सफलता मिलेगी। आज किए गए कामकाज से प्रमोशन या इंक्रीमेंट के चांस बढ़ सकते हैं। आप बहुत बातूनी मूड में रहेंगे। लोगों के साथ कई मामलों पर बातें भी हो सकती हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत के योग बन रहे हैं। घर परिवार की परेशानियों पर ध्यान देना होगा। परिवार के लोग मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। अपनी समस्याएं सुलझाने पर ध्यान दें। अपने ही लोगों से आपको मदद मिलती जाएगी। काम का दबाव कम होगा। ज्यादातर काम समय पर होने से तरक्की के योग ज्यादा है। नेगेटिव, आज आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। परिवार में किसी की सेहत भी खराब हो सकती है। कोई तनावपूर्ण स्थिति भी बन सकती है। फोन और कंप्यूटर के मामले में भी परेशान हो सकते हैं। पुराने दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं। संभल कर रहे। क्या करें, किसी गरीब कन्या को मिठाई खिलाकर पेन या पेंसिल दे? लवलव प्रपोजल के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर दें। समय खराब ना करें। करियर, आपको सावधान रहना जरूरी है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, सेहत में सामान्य उतार चढ़ाव हो सकता है। तुला पॉजिटिव, योग्यता के कारण आपकी तारीफ हो सकती है। संतान से सहयोग और सफलता भी मिल सकती है। आज आप बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। आपके सोचे हुए रोजमर्रा के काम आज हो जाएंगे।
पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके आज आपको जल्दी ही मिल सकते हैं। इनकम के तरीके बेहतर बनाने पर ध्यान दें। किसी खास काम के लिए कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका प्रबंधन से जुड़ी हुई है, तो आपके लिए दिन अच्छा हो सकता है। पुरानी बातें और यादों में आप समय बिता सकते हैं। नेगेटिव आलस्य और तनाव रहेगा। पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम ना लें। साथ काम करने वाले लोग आपके स्वभाव, व्यवहार या उदारता का नाजायज फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़े सावधान ही रहे। क्या करें माता बहन या किसी फ्रेंड को दूध चाय या कॉफी पिलाएं। लवभूत दिनों से मन में दबी बात आज सामने आ सकती है। पार्टनर से आज बहुत सारा प्यार करेंगे और इजहार भी करेंगे। करियर धन लाभ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सफलता मिल सकती है। आपका ध्यान पढ़ाई और प्रतियोगिता की तैयारी पर हो सकता है। आपकी मेहनत आगे भी काम आएगी। हेल्थ सेहत पर ध्यान दें। ज्यादा गर्म चीजें खाने से बचें। वृश्चिक राशि के मनोरंजन में समय निकल सकता है। आपका आकर्षण भी ज्यादा रहेगा। कुछ बहुत जरूरी काम भी पूरे हो सकते हैं। लोगों से बातचीत में आपको कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। आज आप विरोधियों की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो सकता है। पुराने मतभेद आज सुलझ सकते हैं। बातचीत करें और कन्फ्यूजन दूर करें। अपने मन की बातें आप बहुत अच्छे से जाहिर कर सकते हैं। आपके लिए दिन भी ठीक है। इनकम भी ठीक ठाक रहेगी। संतान से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। नेगेटिव, आपको कुछ मामलों में किस्मत का साथ कम ही मिल पाएगा। दिन भर सब अच्छा होने के बाद भी आप तनाव में रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। कामकाज की तरफ आपका ध्यान कम ही जाएगा। पैसों की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। क्या करें पिता, बड़े भाई या किसी अधिकारी से बहस ना करें। लव पार्टनर के साथ मिलकर आने वाले दिनों के लिए योजनाएं बनाएं। पार्टनर को लेकर पूरी तरह ईमानदार रहें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए दिन अच्छा है। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस संबंधित यात्राएं होने के योग बन रहे हैं। आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। फालतू चीजों और बातों से दूर रहें। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक है। हेल्थ, आलस्य से बचें। थकान से परेशान हो सकते हैं। पुराने रोगों से थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। धनु पॉजिटिव भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेंगे। अपना व्यवहार लचीला रखें और सही समय आने का इंतजार करें। धैर्य से काम लें। लोग आपका ध्यान बांटने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी बात साफ ढंग से रखेंगे और इसमें आप सफल भी हो सकते हैं। कोई ऐसा काम करें जिससे एक साथ कई लोगों को फायदा हो। घर, परिवार और जीवन साथी से संबंध फले से अच्छे हो जाएंगे। रोजमर्रा के काम समय पर हो सकते हैं। तनावपूर्ण मौके पर संतुलन रखने में आप सफल हो जाएंगे। नेगेटिव, कुछ निजी परेशानियों में भी आप उलझ सकते हैं। परिवार और कामकाज में तालमेल नहीं रहेगा। अप्रिय विचार आ सकते हैं। ऐसी बातों को किसी से शेयर ना करें। कोई काम बिगड़ने पर मायूस ना हो। खर्चा और आलस्य ज्यादा रहेगा। परिवार में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। क्या करें, अंकुरित मूंग और हरी सब्जियां खाएं। लव पति पत्नी में सामंजस्य रहेगा। रोमांस के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। करियर, किसी से कर्जा भी लेना पड़ सकता है। फालतू खर्चा ना करें। जोखिम भरे काम करने से बचें। समय का इंतजार करें। पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। हेल्थ, सेहत में फले से सुधार हो सकता है। मकर पॉजिटिव मकर राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। खास काम या चुनौती नहीं होगी। कार्यक्षेत्र में नई योजना बन सकती है और पूरी भी होगी। चंद्रमा गोचर कुंडली के कर्म भाव में रहेगा। आज आप बहुत से काम अपेक्षाकृत कम समय में पूरे कर सकते हैं। पैसों की स्थिति भी मजबूत रहेगी। निवेश और खरीदारी के अवसर आज आपको मिल सकते हैं। संबंधों में भी सुधार होता रहेगा। आराम करने का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
लोगों की भलाई के लिए कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बड़ा फायदा मिल सकता है। नेगेटिव ऑफिस या फील्ड में किसी की बुराई करने से बचें, इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। ऑफिस में आपको किसी खास काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, आप किसी ना किसी काम में उलझे हुए रह सकते हैं। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें, क्या करें, दही में काली मिर्च और थोड़ी सी शक्कर डालकर खाएं। लव, किसी बात पर पति पत्नी में विवाद हो सकता है, शांति रखें तो संबंधों में सुधार हो सकता है। करियर, नौकरी पेशा लोगों को अचानक धन लाभ होने की संभावना है, प्रमोशन के भी चांस मिल सकते हैं। फील्ड या संस्थान बदलने के लिए दिन अच्छा है, कुछ स्टूडेंट्स परेशान भी हो सकते हैं। हेल्थ सेहत के नजरिए से समय ठीक नहीं है, सुस्ती थकावट के अलावा चली आ रही परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। कुंभ टारगेटिंग, जो आप सोचेंगे वो आसानी से कर भी देंगे। व्यक्तिगत कामकाज में प्रगति हो सकती है, आप जो पहल करेंगे, जो नया कदम उठाएंगे, समय आने पर उसका अच्छा नतीजा भी मिल सकता है। ज्यादातर जरूरी मामले सुलझ सकते हैं, वाहन खरीदने का विचार भी हो सकता है, सेहत में पहले से सुधार हो सकता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोशिश करेंगे। बुद्धि से आप किसी भी उलझन को सुलझा लेंगे, अपनी बात से लोगों को सहमत कराने में आप सफल भी रहेंगे, आपका मन लोगों से मिलने में ज्यादा लगेगा, कुछ नए दोस्त आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, पुराने दोस्त भी आपका बहुत साथ निभाएंगे। नेगेटिव, पैसों की चिंता नए सिरे से आपके सामने आ सकती है, कुछ लोग आपसे पैसों की मदद भी मांग सकते हैं, आज आप ना चाहते हुए भी कहीं पैसा फंसा सकते हैं, सावधान रहे, लोगों की बातों में और उनके दबाव में ना आए। क्या करें, गर्म चीजें खाने पीने से बचें। लव, पार्टनर भावुक भी है और थोड़ा बिजी भी रहेगा, आपको समय देना होगा। करियर, बिजनेस और नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, एकांत में और एक ही विषय पर पूरा ध्यान दें, हेल्थ सेहत पहले से ठीक रहेगी। मीन पॉजिटिव, अधिकारियों के साथ बातचीत में सुधार होगा, यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, ऑफिस और बिजनेस का ज्यादातर काम निपट जाएगा, कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। परिवार और पैसों के मामलों में आप व्यस्त रहेंगे, कहीं छोटी मोटी यात्रा का भी योग बन रहा है, कोई बड़ा काम शुरू करने का भी मन बना सकते हैं, महत्वपूर्ण कामों की प्लानिंग हो सकती है, पूरी योजना की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति पर हो सकती है, धैर्य रखेंगे तो सफल हो जाएंगे। नेगेटिव, नादानी के कारण आपका मजाक बन सकता है, आपको दिन भर सावधान रहना होगा, अपनी बातों और बोलने के तरीके पर आपको कंट्रोल करना होगा, कोई भी बात सोच समझ कर ही कहे, किसी खास मामले पर बात करते समय सोच समझ कर बोले, अतिवादी होने से बचे, इससे आपको नुकसान होगा। कामकाज के दौरान बार बार कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कोशिश करें कि किसी रुकावट से आपके काम पर असर ना पड़े, छिटपुट विवादों से दूर कर ही कोई प्लानिंग करें। ऑफिस से जुड़ी कोई बात या हिसाब किताब आज आपको परेशान कर सकता है, आपके खर्चे भी बढ़ते रहेंगे, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग दौड़ भी हो सकती है, लोग अपनी चिढ़ाप पर भी निकाल सकते हैं। क्या करें, सिक्के पर हल्दी या केसर लगाकर किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। लव, पति पत्नी में किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी की उपेक्षा ना करें, करियर प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, धन लाभ के पूरे योग बन रहे हैं, नया एडमिशन होगा, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ सेहत के नजरिए से समय आपके लिए अच्छा है, पुराने रोग खत्म हो सकते हैं। Thank you.